क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होगा जब ये अच्छा प्रोडक्ट आए? अगर हम लोग रिसर्च करते रहेंगे तो क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं. रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस होगा. तो गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जब प्रोडक्ट हम कम रेट में अच्छा प्रोडक्ट लाएंगे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन होगा. टू इंश्योर द रेगुलर सप्लाई, रेगुलर सर रेगुलर सप्लाई कब इंश्योर होगा? तो हम प्रॉपर वे से सप्लाई करेंगे, हमेशा करेंगे, तो रेगुलर सप्लाई इंश्योर करना ज़रूरी है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए. गेन कॉर्पोरेट इमेज, कॉर्पोरेट इमेज बनाए रखना भी ज़रूरी है. कॉर्पोरेट इमेज कैसे गेन होगा? जब प्रॉपर सब कुछ रहेगा, हम डिलीवरी टाइम पे देंगे और सप्लाई प्रॉपर होगा, जैसा डिमांड हो रहा है उसके हिसाब से सप्लाई करेंगे. तो सेटिस्फाइड द कंज्यूमर, कंज्यूमर कब सेटिस्फाइड होगा? जब जो उसको चाहिए उसको वो प्रोडक्ट कम रेट में और अच्छी क्वालिटी का मिले, देन कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मिलेगा अपने को. टू सपोर्ट अदर फंक्शन, फंक्शन एरिया और फंक्शन, जैसे टेक्निकल हो गया, प्रोडक्शन, सारे फंक्शन में जब है सपोर्ट करेंगे देन इम्प्रूवमेंट होगा. एरिया को सपोर्ट करना ज़रूरी है. मार्केटिंग, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट अगर लाएंगे तो फिर जैसे अभी पहले किसान का जैम हुआ, फिर उसने सॉस भी लॉन्च किया, तो ऐसे न्यू प्रोडक्ट लाएंगे तो कंज्यूमर का जो नीड है वो आपसे ही फुलफिल होगा, देन वो और ज़्यादा आपके प्रोडक्ट यूज़ करना पसंद करेंगे. टू एक्सपांड द बिजनेस, बिजनेस एक्सपांड करना भी ज़रूरी है. लाइक अभी जितना जितना छोटा बिजनेस है उससे बड़ा 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 करते रहेंगे तो ही फायदा है. स्कोप और फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्ट सिलेक्ट एंड डिज़ाइन. प्रोडक्शन, पहले प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये बनाना है, उसका डिज़ाइन क्या होगा. फिर प्रोसेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसका प्लानिंग करना पड़ेगा. कैपेसिटी प्लानिंग, कितना कैपेसिटी है, कितना बन सकता है वो पहले से पता रहेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग सेल का सेल करेंगे और उसके हिसाब से ऑर्डर्स लेंगे. प्रोडक्शन प्लानिंग, कैसे प्रोडक्शन करना है, कितना है, कितने प्रोडक्ट लगेंगे और कितना रॉ मटेरियल लगेगा, वो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा. प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल में दो चीज़ आता है, रोटिंग एंड शेड्यूलिंग. रोटिंग मतलब प्रॉपर प्लानिंग करना ज़रूरी है, शेड्यूलिंग मतलब कब क्या बनेगा और कितना टाइम लगेगा, हो गया शेड्यूलिंग. शेड्यूलिंग रूटिंग स्मूथली करना ज़रूरी है. क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल का, जब क्वालिटी कंट्रोल करेंगे तो अच्छे प्रोडक्ट यूज़ ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट बनाने का वो है, और उसमें जब क्वालिटी कंट्रोल रहेगा तो कुछ मिस्टेक्स नहीं आएंगे जिसकी वजह से प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में कम हो. इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है प्रोडक्टिविटी का, और उसको ओवर स्टॉक ना हो, जितना ज़रूरत है मार्केट में उतना ही सप्लाई हो, उसके लिए इन्वेंट्री कंट्रोल. वर्क स्टडी, कहाँ पे क्या ज़रूरत है, क्या हम लोग बिना मतलब के कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी है. वर्क स्टडी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फंक्शन का. मेंटेनेंस एंड रिपेयरमेंट ऑफ मशीन, मशीन जो है वो ख़राब हो गई है, कितने दिन से पड़ी है, तो उसका रिपेयर करना ज़रूरी है, उसका अच्छे से मेंटेनेंस देना ज़रूरी है. अदर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल, टेक्निकल अप्रिकेशन, मोटिवेशन ऑफ वर्क और रिच एंड डेवलपमेंट. इसमें में से हमको आठ ही लिखना है, क्योंकि 7.5 मार्क्स का आएगा तो 8 पॉइंट बहुत होता है. और सबके स्टार्टिंग में ऐसा लिख सकते हैं, जैसे पहला वाला नंबर है तो लिखेंगे कि सब पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है. सब प्रोडक्शन सिलेक्शन एंड डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट सिलेक्शन डिज़ाइनिंग इज अ इम्पॉर्टेंट फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट. ऐसे करके अगर लिखेंगे ना, थोड़ा सा बातें बनाओगे तो सही होगा इसमें. और लिख सकते हो बस अडेंस टू क्वालिटी, डेवलपिंग थ्रू आउट द ट्रेनिंग सेशन एंड क्वालिटी सर्कल. कैसे क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी? जब डेवलपिंग डेवलप करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद क्विक क्वालिटी सर्कल अच्छी होगी, देन क्वालिटी जल्दी डेवलप हो जाएगा. बेटर वर्क इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए. अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट यूटिलाइज टू इम्प्रूव द वर्क, वर्क को इम्प्रूव करेंगे देन यूटिलाइजेशन होगा, इम्प्रूवमेंट होगा. कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. अगर कॉस्ट रिडक्शन होगा तो ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं. द प्रोडक्शन मस्ट बी इंश्योर द प्रॉपर लेवल ऑफ इन्वेंट्री. डिलीवरी शेड्यूल्स, प्रॉपर शेड्यूल डिलीवरी होना चाहिए. रेगुलर स्टेड फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन, रेगुलर फ्लो होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का. अगर प्रॉपर हम लोग डिलीवरी करेंगे, प्रॉपर सप्लाई करेंगे, देन वो रिवर्स ऑर्डर करेगा, वरना
उसको लगेगा कि जब प्रॉपर सप्लाई नहीं है देन ऑर्डर की मीनिंग क्या है. एस्टिमेट ऑफ रिसोर्सेज हैव टू एस्टिमेट द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज लाइक मैन पावर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए. सो रिसोर्सेस हमेशा ऑप्टिमम होना चाहिए और प्रॉपर यूज़ होना चाहिए. प्रॉपर उसका जितना रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए. फैसिलेट द टर्म टीम वर्क को फैसिलेट करना पड़ेगा सच एज अ फाइनेंशियल मार्केट और ह्यूमन रिसोर्सेज. फाइनेंशियल मार्केट जब प्रॉपर जिसका जो काम है वो काम करेगा देन टीम वर्क अच्छा होगा. टीम में सब लोग की ज़रूरत है क्योंकि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है. टेक्निक्स लगता है, मैन पावर लगता है, स्किल अनस्किल लेबर लगते हैं. तो इसलिए सबसे पहले फैसिलिटी टीम वर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. गुडविल कॉर्पोरेट इमेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. गुडविल रहेगा तो इंसान उस प्रोडक्ट को लेने के लिए ज़्यादा सोचेगा नहीं. जस्ट लाइक अभी टाटा का प्रोडक्ट है तो टाटा के प्रोडक्ट को हम अच्छा ही मानते हैं जहाँ तक है. तो हम टाटा का प्रोडक्ट लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, उसको बाय करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. हायर प्रोडक्टिविटी रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट. आउटपुट अपन इनपुट करेंगे तो हायर प्रोडक्टिविटी निकल जाएगा, दोनों का रेशियो है. इम्प्रूवमेंट टू लेबर प्रोडक्टिविटी. लेबर प्रोडक्टिविटी मतलब लेबर जो है वो कितना काम कर रहा है उसको यूटिलाइज करना. यूटिलाइज मतलब उसको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा उससे काम लेना. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी लाइक मैन मटेरियल मशीनरी. जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उसको यूज़ करना, उससे ज़्यादा ट्राई करना कि उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए. और देखो ये ए बी सी डी फॉर्मेट में है. अगर देखेंगे तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, फिर इधर पे ओ आ जा रहा है, बस बाकी सारे उसी फॉर्मेट में है. तो याद करने के लिए ईजी है. सो प्रॉपर याद करना ज़रूरी है, इसको अच्छा रहेगा. स्टेप इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्शन स्टेप इन अ प्रोडक्शन एंड प्लानिंग कंट्रोल. उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं वो देखते हैं. प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल. प्लानिंग में क्या क्या है? प्लान योर वर्क. कंट्रोल वर्क योर प्लान. पहले प्लान करना पड़ता है उसके बाद उस पर वर्क कर सकते हैं. पहला क्या हो गया? रूटिंग. रूटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा. पहले हम लोग डिसाइड करेंगे ना कौन क्या काम करेगा, कितना टाइम वेस्ट होगा उसके पीछे. द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द पाथ वर्क और द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस. ऑपरेशन का क्या सीक्वेंस होगा, जो काम करने वाले उसका सीक्वेंस क्या होगा और क्या कौन से पाथ से करेंगे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. सेकेंड क्या है? लोडिंग. मैं इधर पर शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ, नोट्स में सारे मैंने अच्छे से लिख के दिया हुआ है, सो उसको भी रिफ़र करना. लोडिंग. लोडिंग मतलब टोटल टाइम टू रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन इज कंप्यूट बाय द मल्टीप्लाइंग द यूनिट ऑफ ऑपरेशंस एंड टाइम बाय द नंबर ऑफ यूनिट पार्ट इज डिसाइडेड. जितना भी हमको काम करना है और कितना ऑपरेशन का टाइम है उससे अगर गुणा करेंगे तो हमको अपने को लोडिंग मिल जाएगा उसे मल्टीप्लाई किया तो. शेड्यूलिंग. शेड्यूल बनाना जरूरी है कब कौन सा काम करना है. इट इन्वॉल्व्स टू प्रिपरेशन ऑफ द टाइम टेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटी. एक्टिविटी को करने के लिए उसका शेड्यूल बनाना ज़रूरी है, टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है, देन प्रॉपर हो पाएगा. अब इसमें तो सीख लिया ना कि क्या क्या प्लानिंग में आ जाता है. उसके बाद कंट्रोलिंग में क्या क्या आ जाता है? डिस्पैचिंग. डिस्पैचिंग क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स टू असाइन ऑफ द वर्क, गिव एन ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन टू मशीनरी और ऑपरेटर्स. अभी कोई भी जो मशीनरी है उसको प्रॉपर वो करना पड़ेगा, सिस्टम उसका अपडेट करना पड़ेगा, देन वो काम प्रॉपर करेगा. और जो मैन पावर है उनको बताना पड़ेगा ये तुमको करना है वो तुमको करना है, सब प्रॉपर बांटना पड़ेगा, देन वर्क प्रॉपर हो सकता है. उसके बाद क्या है? फॉलोअप. फॉलोअप कब करेंगे प्लान को? मतलब जो प्लान बनाया है उसको फॉलोअप करने का. इट रिफर्स टू रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस. उसके बाद रीप्लानिंग. जो छूट गया है, जो नहीं हो पाया है, उसको रीप्लानिंग करना ज़रूरी है. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बट मैंने इधर पे शॉर्ट में लिखा है, आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा. पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो, देन उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव्स, सबके ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपर दिए हुए हैं. जैसे रूटिंग लिखा हुआ है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स के नीचे दिए हुए हैं. छोटे छोटे ही हैं, बहुत ईजी है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना, क्विक रिकैप कर लेना. अब देखते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल में डिफरेंस क्या है. पहला मीनिंग. प्रोडक्शन एंड प्लानिंग रिफर्स टू द डिसाइडिंग द एडवांस व्हाट टू प्रोड्यूस व्हेन द
when to produce and how to produce. इसमें बोलता है कि planning controlling क्या करता है, वो पहले plan करता है कि plan क्या होगा, production planning क्या हो गया, कि पहले वो plan करता है क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है. production control क्या हो गया, it refers to monetary and actual production in order to take the corrective step if there are any deviation from the plan. मतलब जो plan है वो बदलना नहीं चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपर नजर रखना और स्टेप बाय स्टेप उसको कंडक्ट कराना, ये किसका हो गया, प्रोडक्शन. ये डिफरेंस ये भी आ सकता है, और डिफरेंस नहीं आया तो प्रोडक्शन के बारे में ये सब लिख सकते हो और कंट्रोल के बारे में ये सब लिख सकते हो, आइधर कोई और. उसके बाद सीक्वेंस आया, उसके बाद स्टेप इन्वॉल्विंग ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन शेड्यूल. दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें देखो रोटिंग एंड शेड्यूलिंग, इसमें क्या है डिस्पैच फॉलो अप. अगर पिछले वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया अगर वो वाला ही प्रॉपर किया रहा तो भी ये लिख सकते हो. दो एक पॉइंट इसमें आ गया ना, स्टेप ऑफ स्टेप्स में. ऑपरेशंस, प्रोडक्शन प्लानिंग डिटरमाइंड द सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन, इट इंश्योर, वो इंश्योर करता है कि करना है कि नहीं. ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसको इग्नोर करके आगे के 7 पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है स्टेप बाय स्टेप ही लिखो, अगर नहीं याद हो रहा तो उसको छोड़ भी सकते हैं. इट फॉलो टू प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वॉल्व टू इम्प्लीमेंट ऑफ द प्लानिंग. ये क्या करता है, सीक्वेंस डिसाइड करता है, ये क्या करता है सीक्वेंस को इम्प्लीमेंट करता है. प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, जो प्रोडक्शन ये क्या करता है, ये टाइम टेबल बनाता है और शेड्यूल करता है. ये हम लोग ने देखो रोटीन में ये पढ़ा था कि टाइम टेबल बनाते हैं, शेड्यूलिंग करते तो टाइम टेबल बनाते बराबर. और ये इसमें देखो फॉलो अप में पढ़ा था कि इंश्योर करता है कि काम कैसे करना है. तो देखो अगर एक चीज़ पढ़ ले रहे हो ना, स्टेप पढ़ लिया तो ये थोड़ा बहुत डाउट इधर का तो क्लियर हो ही जा रहा है. बहुत हार्ड नहीं है, बस मीनिंग समझ में आए तो कर सकते हैं आराम से. क्वालिटी, प्रोडक्शन प्लान डिसाइडेड टू प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड, इट इंश्योर द क्वालिटी एज पर द स्टैंडर्ड. प्लानिंग क्या करता है, डिसाइड करता है कि कौन से स्टैंडर्ड की क्वालिटी रहेगी, क्या क्वालिटी रहेगी. और ये कंट्रोलिंग उसको इंश्योर करता है कि जो बोला है वही होना चाहिए. रिसोर्सेस, रिसोर्सेस क्या क्या रहेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग एस्टिमेट द रिसोर्सेज टू रिक्वायर द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट पुट रिसोर्सेज इन टू द इंश्योर टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. प्रोडक्शन प्लानिंग क्या बोलता है कि जो जो रिसोर्सेज लगने वाले वो मैं तुमको अवेलेबल कराऊंगा. और फिर वो क्वालिटी क्या कहता है कि जो जो तुमने मुझे प्रोडक्ट रिसोर्सेज दिए हुए उसका मैं ऑप्टिमम यूटिलाइज करूंगा, उसको मैं वेस्ट नहीं करूंगा ऐसा. सुपरविजन, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू एक्चुअल सुपरविजन, एक्चुअल प्रोडक्शन डज नॉट टेक अ प्लेस, एक्चुअल सुपरविजन इज रिक्वायर्ड दैट इन्वॉल्व्स टू accumulate production of goods. यहाँ पे ज़रूरी नहीं है क्योंकि अभी जब प्लान कर रहे हैं वहाँ पे सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती, बट जो मोटर या फिर जो मशीन्स वर्क कर रहे हैं, जो लेबर्स वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे सुपरविजन की बहुत ज़रूरत हो जाती है. टारगेट, टारगेट पहले डिसाइड होना चाहिए क्या टारगेट है, कौन से एज ग्रुप के ऑडियंस को टारगेट करना है. जैसे अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसको ट्राई करो कि कार्टून शेप में बनाया, या फिर उसका कलर कुछ ऐसा कर दो. लड़कियों के लिए बना रहे तो पिंक, लड़के के लिए बना रहे तो ब्लू, ऐसा वो टारगेट जो ऑडियंस रहेंगे उसके हिसाब से करने का. प्रोडक्शन प्लानिंग टू कंट्रोल द विद द सेटिंग द प्रोडक्शन टारगेट, प्रोडक्शन टारगेट कितना होगा उसके हिसाब से चालू होता है. इम्प्लीमेंट द टारगेट, और उस टारगेट को इम्प्लीमेंट करना कंट्रोलिंग का काम है. मतलब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, जब प्लानिंग जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो बता रहा है, कंट्रोलिंग वही कर रहा है, बस यही डिफरेंस है दोनों में. तो इसको ही प्रॉपर लिख सकते हो एकदम आराम से, अगर एक साइड का याद आ दूसरे साइड का ऑटोमेटिक लिख सकते हो. और ये मेन पॉइंट्स याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा. टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, इनपुट कन्वर्जन प्रोसेस और आउटपुट. इनपुट मतलब क्या क्या उसमें डाला, यूज़ क्या क्या किया अपन ने, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं. द इनपुट इंक्लूडेड द मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर, मैन आर्ट्स एंड ड्राइंग, ड्राइंग और अदर पेपर वर्क. वो क्या कौन करता है, इनपुट करता है. और भी बहुत सारे उसके लाइन्स हैं तो इसके भरोसे मत रहना, अंदर जाके उसको पूरा प्रॉपर पढ़ना पहले. तो कन्वर्जन प्रोसेस, कन्वर्जन प्रोसेस मतलब जो प्रोडक्ट को बनाने में जो मशीनरी और केमिकल वो सब का जो बीच में जो जैसे टेस्टिंग प्रोडक्ट हो गया, वर्क हाउस हो गया, उसके बाद रॉ मटेरियल को
प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोलिंग प्रोडक्शन और उसका रॉ मटेरियल को कैसे यूज़ करना है वो कहाँ पे हो गया कन्वर्जन प्रोसेस में, आउटपुट जो हमको उनसे मिला इंक्लूडेड फिनिश प्रोडक्ट पार्ट्स एंड सर्विसेज, जो अभी कोई भी हो सकता है वो सर्विस भी हो सकता है और उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट भी हो सकता है और पार्ट्स भी हो सकता है, कोई पार्ट्स बनाने का अगर काम रहेगा तो उधर पार्ट्स ही मिलेंगे अपने को, प्रॉपर हो गया। आगे प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम में क्या है इंटरमीडिएट सिस्टम एंड कंटिन्यूअस सिस्टम, इसमें क्या आता था बैच प्रोडक्शन जॉब प्रोडक्शन और प्रोजेक्ट प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन एंड प्रोसेस प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन का क्या मीनिंग है, बैच प्रोडक्शन इज अ मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल्स आइदर द मीट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर और मीट ऑफ कंटिन्यूअस डिमांड। बैच प्रोडक्शन का क्या है कि मतलब अगर वो कंटिन्यूअस ऑर्डर पे काम करती है मीट स्पेशल स्पेसिफिक ऑर्डर, स्पेसिफिक जो ऑर्डर रहेगा उसके ऊपर सारे काम करेंगे, जस्ट लाइक मैन्युफैक्चर ऑफ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का अगर ऑर्डर आया तो वो लोग बस टूथपेस्ट पे ही काम करेंगे और जितना उनको ऑर्डर मिला स्पेसिफिकली उसी चीज के ऊपर काम करेंगे। जॉब प्रोडक्शन इसका कैरेक्टरिस्टिक भी है बैच प्रोडक्शन का, तो मेरा जो फुल लेंथ वीडियो है उसमें मिल जाएगा और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, तो पूरा आपको बैच प्रोडक्शन जॉब प्रोडक्शन वो मैंने लिख के अच्छे से रखा हुआ है, तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल पे और पीडीएफ को रिफर कीजिए। जॉब प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्ट्स आर मेड टू सेटिस्फाई द स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द पर्टिकुलर कंज्यूमर। जॉब प्रोडक्शन मतलब एक ही काम है जो स्पेसिफिक ऑर्डर है उसी के ऊपर काम करो, किसी एक पर्सन का भी हो सकता है, और जैसे टेलरिंग शॉप हो गया वो जैसा मुझे चाहिए जैसा किसी को ड्रेस चाहिए तो वो उसके हिसाब से वो ड्रेस पूरा डिजाइन करके देगा। इसका भी कैरेक्टरिस्टिक है प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दिस केस द सिंगल असाइनमेंट अंडरटेक, सिंगल असाइनमेंट वो पूरा जैसे बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, उसके बाद रिसर्च हो गया किसी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट के बारे में वो ये करता है। फिर कंटिन्यूअस सिस्टम, इसमें क्या गया मास प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रिस्पेक्टिव फ्लो प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, जब लार्ज अमाउंट में कोई चीज़ प्रोड्यूस करना है तो वो किसके अंडर में आता है, मास प्रोडक्शन के अंडर में आता है, उसमें स्टैंडर्ड मशीनरी यूज होता है, सेमी ऑटोनॉमिक और ऑटोनॉमिक नेचर होता है उसका, सेमी स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होता है, कंटिन्यूस करना पड़ता है, लिमिटेड वर्क इन प्रोग्रेस रखना पड़ता है। उसके बाद प्रोसेस प्रोडक्शन, इन अ सिंगल प्रोडक्ट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरर अंडरटेक द डिफरेंट प्रोसेस आफ्टर प्रोडक्शन, द गुड्स आर स्टॉक्ड इन द वेयरहाउसिंग इज डिमांडेड इन मार्केट। इसमें इसका मेन क्या है कि इसको ये लेके जाएगा जो प्रोडक्ट अपना बन चुका है उसको वेयरहाउस में रखने का, और जब जरूरत पड़ेगी जब मार्केट में डिमांड होगा देन प्रोडक्ट का सप्लाई करने का, जैसे हो गया स्टील हो गया, पेपर हो गया, शुगर हो गया, जो कि खराब नहीं होता है ऐसे चीज, अब खराब होने वाली चीज को तो नहीं कोई स्टोर करेगा। इसका भी कैरेक्टरिस्टिक है नेगिजिबल प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी कंट्रोल, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, प्रोडक्टिविटी कंट्रोल। अकॉर्डिंग टू द पीटर डकर प्रोडक्टिविटी इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट इनटू इनपुट, ये देखो ये दोनों के बीच का रेशियो क्या हो गया प्रोडक्टिविटी। इसके दो पार्ट है ए और बी, प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्टिविटी ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। पहला क्या हुआ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसका पहले प्लान करना पड़ेगा, उसके बाद उस प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें कंट्रोल करना पड़ेगा। मशीन एंड इक्विपमेंट, जो मशीन चाहिए वो ज़रूरी है उसको उस टाइम पे रखना पड़ेगा, क्वालिटी वाला मशीन यूज़ करना पड़ेगा, मशीन में जो प्रॉब्लम है उसको चेंज करवा सकते हैं या फिर उसमें और वर्क करा सकते हैं। प्रिंट लेआउट, लेआउट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि क्या करना है, प्रॉपर लेआउट अगर रहेगा तो उसके हिसाब से पीपल बाकी सारे लोग उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी मार्केट में किसका डिमांड है, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है इस टाइम पे, कौन सा मॉडल चल रहा है उसको देखेंगे और डेवलप करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी सर्कल,
जो लोग मतलब एक ऐसा ग्रुप रहेगा जो कि जिसमें सब लोग का भागीदारी होगा, लाइक उसमें इंजीनियर भी है, उसमें आर्किटेक्चर भी है, उसमें जो डायरेक्टर है वो भी है, वो सारे लोग प्लान करके एक प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। लोकेशन फैक्टर, लोकेशन फैक्टर भी सबसे ज़रूरी है, कहाँ पे अपना कंपनी लोकेट करता है। अगर मान लो कि जैसे कोई कंपनी है, मैं चर्चगेट में जाके उस काम को करवाऊँ, तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा, और वहीं जाके मैं नायगांव या फिर विरार साइड में कराऊँ तो उधर पे मेरा फैक्ट्री का रेंट कम होगा, रिसोर्सेस मुझे सस्ते में अवेलेबल हो जाएंगे। प्रोडक्टिविटी इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑप्टेन फंड, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, क्रेडिट मैनेजमेंट एंड गुड रिलेशन। गुड रिलेशन सबके साथ होना चाहिए, क्रेडिट मैनेजमेंट, जो क्रेडिट लिया है उसको प्रॉपर पे करो और क्रेडिट को मैनेजमेंट करो। वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल अपने पास है, मशीनरी है, उसका प्रॉपर केयर करो, और न्यू अगर ज़रूरत पड़े तो उसको न्यू लाना पड़ता है। फिक्स, जो फिक्स कैपिटल, उसके बाद क्या है, ऑप्टेंट फंड, ऑप्टेंट फंड मतलब जो फंड फंड को रेस करो और उसके बाद अपना ज़रूरत फुलफिल हो, ऐसे फंड को रेस करो। अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, मार्केट डिपार्टमेंट और जनरल फैक्टर। अगर इस कॉलम को पूरा पढ़ लेंगे ना तो ऑलमोस्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये कॉलम बहुत यूजफुल है, तो इसको प्रेफर करना सबसे सही होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आ गया, रिस्ट्रीमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एडिक्यूट ट्रेनिंग ऑफ राइट पर्सन एट राइट टाइम, प्रॉपर परफॉर्मेंस अप्रेल द पर्सन, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड इफेक्टिव कंपनी। इसमें क्या बोल रहा है, प्रॉपर प्लेसमेंट होना ज़रूरी है, ट्रेनिंग और राइट पर्सन को राइट प्लेस पे रखना ज़रूरी है, और प्रॉपर परफॉर्मेंस होना ज़रूरी है जितने भी एम्प्लॉयज रहेंगे। प्रमोशन, ट्रांसफ़र ये भी सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रमोशन नहीं दिया तो उसके बाद उसको एक प्रमोशन देना सबसे ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रमोशन नहीं दिया तो उसको अपनी क्वालिटी के बारे में पता नहीं चलेगा, उसको ज़रूरी है प्रमोशन देना। प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट, प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट मतलब सब कुछ होना चाहिए, अगर जो काम है उससे रिलेटेड सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, राइट डिसीजन, डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट, राइट प्राइस, इफेक्टिव प्रमोशंस एंड डिस्ट्रीब्यूट द राइट पीस, आफ्टर सेल सर्विसेज एंड प्रॉपर कंडक्ट मार्केटिंग रिसर्च। लॉ एंड और जनरल फैक्टर क्या हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये तो सारा समझा ही होगा ना, इजी फैक्टर्स है, तो इसके बारे में डीप में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। रिलेशन विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट से प्रॉपर रिलेशन होना चाहिए, टैक्स प्रॉपर पे करना पड़ेगा, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री, कंट्री का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके हिसाब से, जस्ट लाइक अभी कोरोना आया था तो मास्क का प्रोडक्शन और सैनिटाइजर का प्रोडक्शन करना ज़्यादा ज़रूरी था और अच्छा उसमें सेल होता, सो उस टाइम पे वो प्रोडक्ट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तो अपना मार्केटिंग अच्छा हो जाएगा। इंटरनल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इंटरनल जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसको प्रॉपर बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए कोई भी। मेजर फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी, वैल्यू ऑफ इंजीनियरिंग, वैल्यू इंजीनियरिंग मतलब रहेगा जो भी इंजीनियर्स हैं उनका काम उनको करने दो, ज़रूरी नहीं है सब प्रॉपर वर्क करें, तो उसके हिसाब से अपने इंजीनियर्स भी डिसाइड करना ज़रूरी है। डॉक्टर आई कावरू ने 1960 में जापान में उन्होंने ये क्वालिटी सर्कल का कॉन्सेप्ट दिया। इसमें क्या है, एक स्मॉल ग्रुप होगी जिसमें सब लोग होंगे, ठीक है। ये मैं क्वालिटी सर्कल पीछे से 3-4 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं ना जो बार बार रिपीट हो रहे, तो उसको याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। PERT एंड CPM, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू PERT एंड CPM आर टाइम इवेंट नेटवर्क एनालाइज टेक्निक। ये एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम लोग प्रोडक्टिविटी करते हैं या प्रोडक्टिविटी में हेल्पफुल है। मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव प्लान, इंसेंटिव जो ऊपर से मिलता है उसका क्या हो जाएगा, द ऑर्गेनाइजेशन आर मस्ट मोटिवेट करने के लिए, इम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए उनको क्या दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है। तो वही मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी मतलब कि जैसे
कुछ गिफ्ट दे दिया, छोटा सा कोई प्राइस दे दिया या कोई सर्टिफिकेट दे दिया, वो हो गया नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब इतना आपको सैलरी में इतना बढ़ा के दे दिया, वो हो गया मॉनेटरी। ऑपरेशनल रिसर्च, इट इज़ अ बोथ टेक्निक ऑफ मार्केट यूज टू मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक मॉडल टू सॉल्व द मैनेजमेंट प्रॉब्लम। मैनेजमेंट प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल और साइंटिफिक दोनों मॉडल को यूज करके ऑपरेशनल रिसर्च उसे बोलते हैं, जो टेक्निक यूज होता है वहाँ पे। ट्रेनिंग, जब प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तो वो लोग प्रॉपर काम करेंगे। जॉब इनरिचमेंट, जॉब मतलब जिसको जो जॉब के लायक है उसको जॉब दो, जिसके लिए मीनिंगफुल है और जो अच्छा सेटिस्फेक्शन देगा, जो काम को प्रॉपर करेगा उसको जॉब देना अच्छा होगा। मटेरियल मैनेजमेंट, जो भी अपने को प्रोडक्ट लगने वाला है वो कहाँ पे अपने को चीपर प्राइस में मिल रहा है उसको लाओ और फिर उसके ऊपर काम करो। क्वालिटी कंट्रोल भी थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है, तो क्वालिटी कंट्रोल को भी याद रख लो। तो क्वालिटी कंट्रोल मतलब जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए जो अदर इसके कंपटेटिव प्रोडक्ट मार्केट में है। जॉब इवोल्यूशन मतलब जिसको ज़रूरत है, जो जॉब प्रॉपर कर रहा है उसको जॉब देना फायदेमंद है। इर्गोनॉमिक, ह्यूमन फैक्टर ऑफ इंजीनियरिंग एंड इर्गोनॉमिक्स रिफर्स टू मैन मशीन रिलेशनशिप डिजाइनिंग द मैच टेक्निकल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। ये क्या बोलता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसका रिलेशन किसे टेक्नोलॉजी से प्रॉपर हो वो इधर पे आ जाता है। इसमें ग्रीक वर्ड है इग्रोस मीन्स वॉक एंड नॉमिक्स मीन्स लॉ। ठीक है, मतलब क्या हो गया इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, वर्क लॉ। वर्क में जो लॉ लगता है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। परफॉर्मेंस अप्रेशल, अप्रेशल परफॉर्मेंस अप्रेशल मतलब द ऑर्गेनाइज में भी अंडरटेक द परफॉर्मेंस अप्रेशल ऑफ द इम्प्लॉयज ऑन रेगुलर बेसिस और फीडबैक, उस पर जो परफॉर्मेंस दिया है उस पर क्या मिलना चाहिए, प्रॉपर फीडबैक होना चाहिए। उसके बाद वीकनेस क्या है, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है वो। अब देखो इसके बाद आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो कि मैं नहीं ले रही हूँ बिकॉज इतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर एक मॉड्यूल में देखा मैंने मैंने बताया था ना कि तीन चीज़ें होती हैं, तो जैसे इसमें क्या क्या था, प्रोडक्शन मैनेजमेंट था, प्रोडक्शन सिस्टम था और इन्वेंटरी मैनेजमेंट था। तो जो प्रोडक्शन और प्रोडक्शन सिस्टम है वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब बहुत कुछ वहाँ से मिलता जुलता है। तो मैंने उसे ही दोनों को ही कंटिन्यू कराया और तीसरा पार्ट इन्वेंटरी मैनेजमेंट मैंने स्किप कर दिया है। तो जो अगर ये दोनों भी जितना मैंने कराया उसको भी अगर प्रॉपर कर लेते हैं तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मेरा गला दुख गया, इतना बड़ा वीडियो हो गया और इसमें एक मॉड्यूल पूरा कवर हो गया। ऐसे ही मैं ट्राई करूँगी मैं चारों मॉड्यूल कॉमर्स के एटलीस्ट कवर कर लूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और वॉच कंटिन्यू, और इसका PDF डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो उसको रेफ़र करना।